गुड आफ्टरनून स्टूडेंट स्टूडेंट का नैक्सट सब्जैक्ट है फैशन फोटोग्राफी। फैशन फोटोग्राफी के नैक्सट फस्ट टॉपिक है जो है आप करना है इंट्रोडक्शन टू कैमरा। कैमरे की आप इंट्रोडक्शन करनी दे सारा कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करा कैमरे बारे, ठीक है जी, कैमरे के पार्ट्स बारे, ठीक है जी। ये तो जो सब्जैक्ट का नाम ही है फैशन फोटोग्राफी, ठीक है। आप फोटोग्राफी क्यों करते हैं, वो की मतलब इंपोर्टेंस होनी है, कि आप बैकग्राउंड सैट करिए, कि आप थीम सिलेक्ट करी दे, कि बैकग्राउंड सैट करी दे, ठीक है। और कैमरे तो कि एंगल तो फोटोग्राफी करनी है और कि आप डायरेक्ट सही एंगल लेना होंगे सारी डिस्कस करा, ठीक है। जिदा कि तुम्हें पता है कि कैमरा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिन्होंने आप यूज़ करी का इमेज लिए या पिक लैन फोटो खिंचन जो तुम्हें नॉर्मली पता है आप पिक्चर लैन कैमरे का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। कैमरा से जिदा वैडिंग्स के पिक्चर्स लैन ले अपने कैजुअल पिक्चर्स लैन ले कोई अपनिया हो गई कोई आप अगर फैशन फोटो फैशन शो के ड्रेसिस दी पिक लैन ले तो आप कैमरे का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। कैमरे के अलग अलग टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके लेंसेस होंगे, ठीक है जी। कैमरा मोस्टली आप अगर फोटोशूट ले भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फोटोशूट होंगे है कि ये आप एंगल देखने होंगे कि सानू कि एंगल परफेक्ट लगे, ठीक है। अगर किसी आप ड्रेस की फोटोग्राफी करनी है, ठीक है जी, फोटो खिंचनी है ड्रेस की, तो आप जो ड्रेस का परफेक्ट एंगल आप ही फोटो सिलेक्ट करा या सारी ड्रेस के लुक वाइज़ बहुत नाइस आई है, लुक वाइज़ बहुत ज़्यादा वधिया लग रही है, ठीक है जी। ये मतलब फोटोग्राफी करन का भी एक आर्ट होंगे है भी असी फोटो किहड़े एंगल तो खिंचनी और किहड़ा एंगल वधिया, ठीक है जी। ये यही होंगे है, ठीक है जी। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने कैमराज होंगे जो तुम वेखे ही है तुम्हें पता इस कैमरा किन्ने टाइप्स होंगे, हम तो काफ़ी मतलब एडवांस हो गए, ठीक है जी। अगे है जी कैमरा फोटोग्राफी होंगे किड़े है, ठीक है जी। आ टाइप्स ऑफ कैमरे की, ठीक है जी, DSLR कैमरा है, मिररलैस कैमरा है, ब्राइड है, कंपैक्ट है, फिलना है ना, फिल्म कैमरा हो गया, ठीक है, स्मार्टफोन कैमरा हो गया, मीडियम फॉर्मेट कैमरा हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैमरेज के नाम है, ठीक है जी। जिहड़ा ये सब्जैक्ट है तुहाडा प्रैक्टिकल सब्जैक्ट है, थ्योरी सब्जैक्ट नहीं। जिहड़े तुसीं सारे कैमरे की मतलब इंट्रो करनी है, किन्ने टाइप्स के कैमरे होंगे है, लेंसेज कहड़े होंगे, सारी तुहाडी एक फाइल बननी है, ठीक है जी। एक साइड पर तुसीं इहदा रिटन मैटर लिखोगे, दूसरी साइड पर तुसीं इहनां दी पिक्चर अपनिया पेस्ट करोगे फाइल पेपर पर, ठीक है जी। या टाइप्स ऑफ कैमराज, ठीक है जी, क्योंकि तुहानू अगर इनकेस तुहाडा अपना अपना एग्जाम होंदा है प्रैक्टिकल होंदा है, उहदे विच बाई विच पुछ सकदे कि टाइप्स ऑफ कैमरा किन्ने किन्ने टाइप्स के होंदे आ, ठीक है जी। कैमरा यूज़ आपां कदे लई यूज़ करदे आ, इह तां मतलब परफेक्ट एंगल लैण लई किद्दां किद्दां कैमरा यूज़ होंदा, ठीक है जी। सारा कुछ प्रोपर तुसीं आ डिटेल विच 10 मिनट टाइप्स ऑफ कैमरा प्रोपर नाम तुसीं याद कर लैणा, ठीक है जी। नैक्सट हैगे इहदां दे, ठीक है जी, टाइप ऑफ लैंस किदा उहदे विच लैंस होंदे आ कैमरे दे विच, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होंदे आ, यूज़ होंदे आ, ठीक है। लैंथ है ना, फोकल लैंथ जिदा 4 mm तो 14 mm, ठीक है, फिश आए अलग अलग टाइप्स के, आ सारा प्रॉपर तुसीं एज इट इज़ चार्ट बनाना है अपनी फाइल पेपर के उपर, ठीक है जी। एक साइड तुसीं चार्ट बनाओगे, ठीक है, प्रॉपर दूसरी साइड पर अपनिया इहदियां पिक पेस्ट करोगे, ठीक है जी। प्रोपर फाइल बननी है तुहाडी, ठीक है जी, कि फैशन तुहाडा जो सब्जेक्ट का नाम हैगा है फैशन फोटोग्राफी, ठीक है। ये सारा आप डिस्कस करांगे फोटोग्राफी किदां करी दी है, थीम सिलेक्ट होना है, बैकग्राउंड सारा कुछ, कलर मीडियम तो लैके ड्रैस, अगर साडी कैजुअल ड्रैस है तो असीं पिछे बैकग्राउंड कि रखांगे कैजुअली, ठीक है जी। अगर साडा वैडिंग थीम है तो साडी बैकग्राउंड पिछे किदां होना चाहिए, वैडिंग वाला, ये नहीं कि साडा थीम वैडिंग दे पिछे साडी जिहड़ी बैकग्राउंड सिंपल कैजुअल है, इहदा मतलब इही सैट करना हुंदा वा कि असी मतलब अगर फोटोग्राफी करनी है कोई थीम सिलेक्ट किया और जो तो पिछे साड़ा व्यू आ वो लुक वाइज ही लगे देखते कि हाँ ये वैडिंग का थीम है, ठीक है जी, वैडिंग फोटोग्राफी हुई है। अगर असी बीच का थीम लै रहे हैं तो पिछे बीच का व्यू शो करांगे ना कि वैडिंग का, ठीक है जी। नैक्सट आ जाते कि आप जो आप फोटो खिंची दी फिर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप कितने कितने सेव करते, एक JPEG इमेज भी सेव कर देना, ठीक है जी, PNG अपन पूरी फुल फॉर्म तुम याद कर लियो, ठीक है जी। नैक्सट है GIF ग्राफिक्स, ठीक है, जिहड़ियां होंदियां जिन्हियां सारियां ये अपनी शॉर्ट्स फॉर्म याद कर लियो, ठीक है जी। इन्हां विच आपां अपने जिहड़ियां वा इमेजा डाउनलोड करके जां मतलब सॉरी पी अपना सेव करके रख सकते हैं, ठीक है जी। ये भी तुसीं एक साइड ते प्रोपर ये हैडिंग दे के प्रोपर तुसीं एक चार्ट बनाना है ते लेंथ वाइज, ठीक है, 1 to 3 तक, ठीक है जी। ये फोटो दियां फोटोशॉप आप किदा किदा सेव करदे हां, किहड़ी किहड़ी फाइल विच सेव करदे हां, ठीक है, वह है सारा कुछ, ठीक है जी। नैक्सट आ जाता है कि जो आप फोटोग्राफी खिंची दी वो मतलब की सिस्टम होंगे है, कि टकनीक्स आ, ये टकनीक्स आ फोटो खिंचन दी, ठीक है। एक हाई स्पीड टकनीक हो गई, ठीक है, आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी करी दी आ, ब्लर भी करी दी आ, ठीक है, नाइट्स भी की दी है, एक स्मोक आर्ट होंगे है ना,
ਮੈਕਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਟ ਹੈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਿੰਪਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਨ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਕੈਮਰਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟੋਪਿਕ ਸੀ। ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਕੈਮਰੇਸ ਦੇ ਲੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਿਟਨ ਮੈਟਰ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,